वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों? हम इस टाइम बैठे हैं फहीम होम्योपैथिक क्लिनिक सिटी मुजफ्फरगढ़ में। मेरे दोस्त है बैठे हैं राजनपुर से, जवेद साहब और यासीन साहब और जलील साहब आए बैठे हैं, और साथ वसीम भाई भी हैं। हम इस टाइम जा रहे हैं नवाब होटल या बिल्ले के डेरे पे, मेहराब होटल पे जा रहे हैं, और हमारे प्यारे दोस्त ने गाड़ी नई ली है, यासीन साहब ने ली है आल्टो, और इनको हमने दी है मुबारक आल्टो गाड़ी की। तो इन्होंने कहा कि चले हमें आपको वहाँ पे सारे दोस्तों को दावत देते हैं, लेकिन आज का खाना मेरे पास था, खाना बन गया, सारा कुछ आया पड़ा, इन्होंने वापस भेज दिया, घर भेज दिया, और इनकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। हम सारे दोस्त जो है ना, हम इस टाइम जा रहे हैं यासीन साहब की दावत पे। हम इस टाइम मुजफ्फरगढ़ क्रॉस कर चुके हैं, और जवेद भाई ये ड्राइव कर रहे हैं, और जवेद भाई को भी बहुत बहुत मुबारक। जवेद भाई ने ये सिविक गाड़ी ली है, और ये भी हाँ इंशाल्लाह। यासीन भाई कब दावत खानी है इनकी? नेक्स्ट टाइम इनकी रही तो जरूर, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन रहा है जो है ना मरी का जनवरी में, हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे स्नो फॉलिंग देखने। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वो है सिटी है मरी का, इंशाल्लाह ये सारे दोस्त हम वहाँ पे जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मेहराब के ऊपर। लेके आए हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में जान में माल में बरकत दे, और ऐसे ही दोस्ती और मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहे। और ये हमारा जो यराना है, जो दोस्ताना है, वो बहुत बहुत पुराना है या जवेद भाई की, और मेरी जो दोस्ती है वो 24-25 साल से है, और ये दोस्त हमें बहुत ही खूबसूरत एक दोस्त बना है। उनकी आज दावत है, हमने गाड़ी ली है, और उनकी दुआ कहते हैं कि इनकी गाड़ी का जो इनका ये हम सफ़र होता है, अल्लाह पाक इनका नसीब करे इनके लिए और इनके बच्चों के लिए। जवेद भी आप कोई दोस्त उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, वक्त दिया,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई का शुक्रिया। अब जब आपने अपने टाइम निकाला इन शाह ये दाव देंगे दर्द देंगे खाने हमेशा चलते चलते इन शाह जी।